देख लो प्यारे किसान साथियों, आप लोग अभी भी कमेंट कर रहे हो कि सर क्या दीपावली पर तोहफा नहीं मिलेगा, क्या आप झूठ बता रहे हो? तो प्यारे किसान साथियों, बिल्कुल झूठ नहीं है। आप लोग लाइव देख लीजिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो 19वीं इंस्टॉलमेंट है वो गवर्नमेंट के द्वारा इशू कर दी जाएगी। भाई आना भी शुरू हो गया है, आप लोगों को मैं लाइव दिखा रहा हूँ, चाहे इंग्लिश आर्टिकल में देख लीजिए, देखिए, या फिर अगर हम बात करें हिंदी आर्टिकल में आपको दिखा दें, जी न्यूज की तरफ से, जो सबसे बड़ा न्यूज चैनल है, उसकी तरफ से भी कहा गया कि पीएम किसान योजना की 19वीं इंस्टॉलमेंट जो है सरकार कब जारी करेगी, किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त, इसको लेकर बड़ा अपडेट है। और देखिए यहां साफ साफ कहा गया कि रजिस्ट्रेशन नंबर पता अगर आप लोगों को है तो आप लोग खुद चेक कर पाओगे कि 19वीं किस्त का पैसा जो है, भाई तीन काम करा लेते हो तो आपको मिल जाएगा दीपावली पर, क्योंकि दीपावली पर तोहफा दिया जा रहा। अगर आपको भी चाहिए 19वीं किस्त का लाभ तो ध्यान से करवाना होगा, तीन काम में वो बता दूंगा। लेकिन उससे पहले देखिए दीपावली का जो आप लोगों को तोहफा दिया जाएगा, तो सबसे पहले वो देखिए 4000 रुपये मिलेगा, ठीक है। यानी कि आपको मैं पूरा लाइव दिखा रहा हूँ कि पीएम किसान योजना के तहत दिवाली पर किसानों को मिलेगा बड़ा तोहफा। और देखिए किस तारीख को आएंगे 4000 रुपये खाते में, आज ही ये बड़ा खुलासा हम आपको कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लाइव करके एक एक पूरी जानकारी देता हूँ, नहीं तो भाई आप लोग परेशान हो कि सर क्या दीपावली पर तोहफा नहीं मिलेगा, आप झूठ बोल रहे थे क्या? तो भाई पूरी जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए पीएम किसान योजना के तहत 19वीं किस्त जो है भाई, वो आप लोगों को 4000 रुपये दी जाएगी। ये बात एकदम से नोट कर लो कि 4000 रुपये आपको दिया जाएगा। किस तारीख को आएगा इसका मैं खुलासा करने जा रहा हूँ, ठीक है। किस तारीख को आएगा तो ये देखिए प्यारे किसान साथियों, तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि 19वीं किस्त का जो पैसा है वो दिवाली पर किसानों के बैंक खाते में 4000 रुपये जमा होगी, ठीक है। किसानों को बड़ा आर्थिक सहारा मिलेगा। आइए जानते हैं कि इससे जुड़ी जो स्थिति है कैसे आप लोग देख पाओगे। पीएम किसान योजना किसानों के लिए राहत की खबर है, मैं आपको देखिए पूरी जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे पीएम किसान योजना भी कहा जाता है, किसानों को आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। और मैं आपको बता दूँ, अब आप लोगों को एक और किस्त, यानी कि इस योजना के तहत 4 महीने में एक किस्त जारी होती है, अब 19वीं किस्त के रूप में किसानों को 4000 रुपये मिलने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि 18वीं किस्त का पैसा आपको मिल चुका है। और देखिए ये जो पैसा है प्यारे किसान साथियों, दिवाली का तोहफा है, डीबीटी के माध्यम से, यानी कि आप लोगों को ये जो पैसा दिया जाएगा डीबीटी के माध्यम से, दीपावली का तोहफा है वो दिया जाएगा, ठीक है। मैं लाइव दिखाने की कोशिश इसीलिए कर रहा हूँ कि ये भाई जो पैसा है आप लोगों को दीपावली का तोहफा है 19वीं किस्त, यानी कि गुड न्यूज़ है, मान लीजिए हम सभी लोगों के लिए भाई ये गुड न्यूज़ होने वाली है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ, वरना यकीन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई हमसे कमेंट करते हैं कि सर बताइए मिलेगा भी या नहीं, या फिर फर्जी है। तो देखिए ये सब कुछ फर्जी नहीं है, आप लोग यहाँ देखिए लाइव, दिवाली का तोहफा जो है प्यारे किसान साथियों, किसानों को मिलेगा 4000 रुपये। अब देखिए ये पैसा जो है किसानों को डीबीटी के माध्यम से खाते में जाएगा, ठीक है। तो ये कब तक जाएगा प्यारे किसान साथियों, तो मैं आपको बता दूं कि ये पैसा आप लोगों को दीपावली के 2 दिन पहले से मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, दीपावली के 2 दिन पहले से मिलना शुरू हो जाएगा। और कब तक मिलेगा तो मैं भाई पूर्ण रूप से बता दूं, जब तक आपकी दीपावली हो नहीं जाती तब तक ये पैसा मिलता रहेगा। पीएम किसान योजना के तहत भाई बेहद बड़ी खुशखबरी है, किसानों को 2000 रुपये की जगह 4000 रुपये की ये नई किस्त का पैसा मिलेगा, क्योंकि मोदी जी ने इसकी पूर्ण रूप से लिस्ट जारी कर दी, यानी कि न्यू लिस्ट वितरण की जारी हो गई है, ठीक है। तो मैं अगर आपको न्यू लिस्ट भी दिखा दूँ तो आप लोग न्यू लिस्ट भी देख लीजिए, यहाँ देखिए, ये देखिए किसानों का नाम इस न्यू लिस्ट में आ चुका है कि भाई आपका पैसा मिलेगा या नहीं। मैंने कई वीडियो में बता रखा है कि लिस्ट कैसे देख पाओगे, ठीक है। तो भाई आप लोग देख सकते हैं लाइव कि लिस्ट का भाई नाम जो है वो दिखाना शुरू हो गया। अगर आप लोग 3 काम करवाते हो तभी पैसा आएगा भाई। अब वो कौन 3 काम है, तो अमर उजाला की तरफ से साफ साफ बता दिया गया कि भाई 3 काम करवा लेते हो तभी पैसा आएगा 19वीं किस्त का। तो चलिए उसे भी जान लेते हैं, अगर आपको भी चाहिए 19वीं किस्त का लाभ तो ध्यान से करवाना होगा भाई ये 3 काम, ठीक है। चलिए मैं उसकी जानकारी देता हूँ। देखिए यहाँ इन्होंने साफ साफ कहा अमर उजाला में कि 19वीं किस्त के लिए किसानों को
करवाने होंगे तीन काम। चलिए भाई कौन कौन से तीन काम हैं, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि 19वीं किस्त इस बार आप लोगों को बहुत जल्द दी जा रही है, जैसे कि 18वीं किस्त का पैसा अभी हाल ही में आपको दिया गया, अब अगली किस्त की बारी है 19वीं किस्त। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप 19वीं किस्त का लाभ मिले आपको तो कुछ काम करवाना होगा, शायद नहीं जानते होंगे आप लोग, ठीक है, इसके बारे में कम ही लोग जानते होंगे कि भाई 19वीं किस्त में थोड़ा सा बदलाव हुआ, क्योंकि इस बार जल्दी आ रहा, क्योंकि बड़ा त्यौहार है भाई दीपावली पर, यानी कि दिवाली पर आप सभी लोगों को भाई बोनस मिलना चाहिए, जैसे कि हर क्षेत्र में लोगों को बोनस मिलता है, नौकरी में भाई एक महीने की सैलरी मिलती है, तो किसानों को भी तो भाई एक किस्त बढ़कर देनी चाहिए, तो किसानों को भाई 2000 रुपये की जगह 4000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। चलिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। अब देखिए जो ज़रूरी काम करवाने हैं, यानी कि कौन कौन से ज़रूरी काम करवाने हैं, तो पहला जो ज़रूरी काम है दोस्तों, अगर आप भी पीएम किसान योजना से जुड़े हैं, यानी कि अगर आप लोग पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे हैं, तो सबसे पहला काम जो है भू सत्यापन करवाना होगा, यानी कि आप लोगों को अपनी भूमि का सत्यापन करवाना होगा कि भाई रजिस्ट्रेशन सही से हुआ है कि नहीं हुआ, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स सही से अपलोड हुए हैं कि नहीं हुए, या फिर हमारी जो गांव की स्पेलिंग है, विलेज की स्पेलिंग या फिर नाम की स्पेलिंग है सही से हुई है या फिर नहीं हुई, ये सब कुछ आप लोगों को देखना होगा दोस्तों, ठीक है। अगर आप ये काम नहीं करवाते हो तो आप किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हो, ठीक है। विभाग द्वारा इस काम करवाने के लिए योजना से जुड़े सभी किसानों को कहा गया, अगर आप लोग भाई ये काम नहीं करवाते हो, यानी कि भू सत्यापन का काम नहीं करवाते हो, तो आप लोगों को किस्त का लाभ नहीं दिया जाएगा, काट दिया जाएगा नाम आपका, ठीक है। तो ये एक डाउट क्लियर हुआ। अब दूसरे नंबर में देखिए, इन्होंने साफ साफ मेंशन किया ईकेवाईसी, पहले ही बता दिए कि भाई केवाईसी करवाना होगा, ठीक है, बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में इन्होंने लिख दिया कि ईकेवाईसी करवाना होगा। तो चलिए मैं समझा देता हूँ, देखिए अमर उजाला की तरफ से निर्देश दिया गया है कि आपको अगर 19वीं किस्त का लाभ लेना है तो आपको ईकेवाईसी करवाना ही होगा, ठीक है प्यारे किसान साथियों। देखिए अगर आप योजना से नए जुड़े हो या फिर पहले से आपको यानी कि पहले से ये काम अधूरा है, तो इस काम को जल्द से जल्द करवा लें ताकि आपको किस्त का लाभ मिल सके। इस योजना से जो किसान ईकेवाईसी नहीं करवाएंगे वो किस्त के लाभ से वंचित रह जाएंगे, यानी कि मैं साफ साफ बता दूँ कि जो किसान भाई ईकेवाईसी अपना नहीं करवाएंगे वो 19वीं किस्त का लाभ नहीं ले पाएंगे, दीपावली का बोनस नहीं मिलेगा, और वो बार बार हमारे पास कमेंट करते रहेंगे कि सर आपने झूठी खबर दे दी। अब देखिए ये तो काम हो गया, आधार भाई आधार नंबर को अपने मोबाइल नंबर से भी लिंक करवाना होगा, ठीक है। तीसरा काम जो जरूरी है वो समझिए क्या क्या करवाना है। तीसरे काम में अगर आप भी चाहते हैं कि 19वीं किस्त का लाभ मिल जाए, तो इसके लिए जरूरी है कि आप आधार कार्ड लिंकिंग का पूरा काम करवा लें, जैसे कि आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड से लिंक हो, आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक हो, ठीक है। अपने आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से लिंक करवाना होगा, अगर ऐसा नहीं करवाते हो तो आपका जो लिस्ट में नाम है वो लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा, और आपको 19वीं किस्त का जो दीपावली पर तोहफा दिया जाएगा 2 दिन पहले, यानी कि दीपावली के 2 दिन पहले ही, अब कितने दिन बचा, 2-4 दिन बाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे किसान साथियों मैंने पूर्ण रूप से जानकारी दे दी, ये तीन काम करवा लो, आपको भी 19वीं किस्त का पैसा दीपावली के दीपोत्सव महोत्सव पर, यानी कि दीपोत्सव यानी कि महोत्सव आप लोगों को दिया जाएगा। धन्यवाद।